global advertiser for innovative outdoor solutions. डेफिनेटली दो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है आज और टाइटल्स दोनों बहुत ही अच्छे हैं, गुंडे 2 एंड क्रोध. तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ एंड आई होप दोनों फिल्में ही सुपर हिट हों, ब्लॉकबस्टर हों. और खुशी का मौका एक और है कि फिल्म की जो हीरोइन है प्रज्ञा तिवारी, उनका जन्मदिन है, बर्थडे है. जी 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 बिल्कुल, प्रज्ञा का जन्मदिन है और सीरियसली मुझे ये पता नहीं था, जब मैं आई हूँ तब मुझे पता चला है. एंड मैं उसे शुभकामनाएं दूंगी, उनका जन्मदिन वो बहुत ही अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करें और इन फिल्मों के ज़रिए वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें. आपने गुंडे 1 देखी थी रानी जी? मैंने उसमें एक अपेयरेंस किया था, एक गाना किया था, तो देखी नहीं है मैंने, लेकिन आई होप कि फिल्म अच्छी बनी होगी. हीरो हीरोइन को देखा होगा, कुणाल तिवारी और प्रज्ञा तिवारी ना, उनको देखा होगा आपने काम करते हुए. नहीं, मैंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है. इनफैक्ट मैंने अपना किया हुआ गाना भी अभी तक नहीं देखा है, तो जब वो आएगी नेट पे आएगी तभी शायद मुझे देखने को मिलेगा. बट मैं सेट पे मिली थी कुणाल से, प्रज्ञा से मैं अभी भी मिली. आई होप कि दोनों अच्छा करें, प्रज्ञा अच्छा करें मोस्टली, क्योंकि दोनों फिल्मों में हैं. अब गुंडे की सफलता बाद गुंडे 2 लेके आ रहे हैं, क्या वे विशेष करना चाहेंगे? मेरी विशेष है अच्छी फिल्में चाहिए हमारी इंडस्ट्री को. गुंडे बहुत उन्होंने बहुत दिल से बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, एज ए प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई थी. आई होप वही चीज़ें हमें इन दोनों फिल्मों में देखने को मिलेंगी. और कॉन्सेप्ट आई थिंक कॉन्सेप्ट अभी तक फाइनल नहीं है, बट 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा, तो आई होप अच्छा हो. आप भी इस बार भी नज़र आएंगे? बिल्कुल, मैं नज़र आने वाली हूँ, तभी मैं यहाँ हूँ. आपकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो मेरी भी आने वाली फिल्में हैं चोर मचाए शोर, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है. ये दो फिल्में तो अभी काफ़ी मतलब जस्ट अभी इसका प्रमोशन शुरू हो रहा है, तो और बाकी तो मेरी अभी शूटिंग्स वगैरह चल रही हैं. आपने किसी कंपनी से कुछ पैसे लिए क्या रानी जी आजकल? बदमाशी, एक्चुअली आई डोंट नो, आजकल मुझे ऐसे ही टाइटल्स मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसे टाइटल्स मिल रहे हैं. मैं उन टाइटलों से पीछा छूट गया ना, वो लाइक इंस्पेक्टर समथिंग, इंस्पेक्टर दैट, एंड यू नो उस थोड़े से उस टाइटल से पीछा छूटा. अब कुछ फ्रेश टाइटल्स आ रहे हैं. सखी का ब्याह भी करवा रही है. यस, सखी का ब्याह हो रहा है. यू नो आजकल मुझे शादियों पे टाइटल ज़्यादा मिल रहे हैं. आई डोंट नो, जैसे अभी मैं एक मैं नाम नहीं ले सकती जब तक अभी मुहूर्त होने वाला है, लेकिन जो भी मेरे मुहूर्त होने वाले हैं शादियों पर ही है टाइटल्स. शादियों को लेकर चर्चाएं भी बहुत सारी हैं. बहुत चर्चा, हाँ बिल्कुल, चर्चाओं में हूँ मैं. आपकी भी शादी को लेके? हाँ, मेरी शादी को लेके तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाएगी. ये बीच में खबर थी, आपकी फोटो एक वायरल हुई थी और कहा जा रहा था कि रानी चटर्जी अब करेंगी शादी. देखिए रानी चटर्जी की शादी का खुला राज. कौन सी फोटो वायरल हुई थी? रितेश पांडे के साथ वायरल हुई थी. रितेश पांडे जी के साथ हुई थी. अब उस वायरल फोटो का सच कुछ दिनों बाद जरूर खुलने वाला है, और आप ही सवाल करेंगे उस दिन मुझसे कि वो क्या सच. हाँ, वो सच मैं उसी दिन बताऊंगी. अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है मैंने. ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी फिल्मों को देखते रहें, भोजपुरी फिल्मों को देखते रहें, एंड आई रिक्वेस्ट कि जो भी अश्लील वाले सॉन्ग्स हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट ना करें, अच्छी फिल्मों का सपोर्ट करें,
ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस फॉर आवर सर्विस। द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू राइज ऑन द ग्राफ ऑफ बेटरमेंट फॉर एवरी कैंपेन हैंडल्ड बाय अस।